In my last video, we had discussed how do qualified CA get a job in PSU. We discussed the ways of entering into PSU. And in this video, we are going to have answers for the most wondered questions. Hi, my name is Poonam and this video is going to be in question and answer form. First of all, the question is how do I get into PSU? Iska answer main already apne previous video mein de chuki hoon. Agar aapne nahi dekha hai, to you can watch I button pe aap press karenge to aap us video pe chale jayenge ya fir main uska link bhi description box mein dal dungi. In addition to that video, I would like to add one more thing there, that is ki different sectors bhi hote hain. Humne PSU ke bare mein discuss kiya tha. Different sectors ke bare mein humne discuss nahi kiya tha. So jo PSU ke different sectors hai, like say aerospace mein we have HAL, ISRO, banking sector mein we have SBI, PNB and many more. Energy and petroleum sector we have IOCL, ONGC, mining sector we have Coal India, NALCO, Hindustan Copper Limited. Telecom sector we have MTNL, BSNL. In power sector we have NTPC, Power Grid. Insurance sector we have GIC, LIC. Thereafter we have regulatory bodies. Regulatory bodies mein aate hain like PFRDA, Pension Fund Regulatory Development Authority, RBI, Reserve Bank of India, SEBI, Securities and Exchange Board of India, IRDA, Insurance Regulatory Development Authority and TRAI, Telecom Regulatory Authority of India. So ye different sectors hai PSU ke, jisme ki jaane ka process sabka same hi hai. Jab wo application form release karenge, recruitment notice release karenge, tab aap उसको फिल करेंगे, वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे. सो सेम प्रोसेस है डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे वो पीएसयू के, चाहे वो आरबीआई हो. किसी ने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे थे कि हाउ डू आई गेट इनटू आरबीआई, तो उसका भी सेम प्रोसेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ वुड आई गेट टू नो अबाउट वैकेंसीज. सो इसके लिए मैंने बताया था आपको कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बिकॉज आई शेयर रिक्रूटमेंट नोटिसेज एज वेल ऑन माई चैनल. उसके साथ ही आप चाहें तो कॉर्पोरेट की वेबसाइट्स का करियर सेक्शन भी चेक कर सकते हैं, वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि कोई नोटिस उन्होंने रिलीज किया है नहीं किया. उसके अलावा और भी कई वेबसाइट्स है, लाइक सरकारी नौकरी ऑनलाइन तैयारी, और भी कई वेबसाइट्स है जो कि गवर्नमेंट जॉब्स, पीएसयू सेक्टर जॉब्स शेयर करते हैं. सो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ फ्रिक्वेंटली आई कैन गिव एग्जाम और हाउ मेनी एप्लीकेशन फॉर्म्स आई कैन फिल. सो आप जितना चाहे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जब तक रिक्रूटमेंट नोटिसेज है और आप एलिजिबल है आप अप्लाई कर सकते हैं. कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको फीस देखनी होगी. जहां एप्लीकेशन फॉर्म फ्री है वहां तो आप आराम से फिल करिए. उसके साथ ही अगर आप रेगुलर ऑफिस में है तो आपको अपना टाइम और वर्किंग डेज पर ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम्स अगर सैटरडे को हुए तो आपको सैटरडे को ऑफ लेना पड़ेगा, इनकेस अगर आपकी ऑफिस की छुट्टी सैटरडे को नहीं होती है तो. इन शॉर्ट देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म्स एंड गिविंग ऑफ एग्जाम्स. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू फीस यू रेडी टू पे एंड हाउ यू गोना मैनेज योर टाइम एंड ऑफिस शेड्यूल. ओके, हमने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लिया है, नाउ टेल अस हाउ एंड व्हेन इट इज कंडक्टेड. सो ये जो एग्जाम्स है ये जनरली देखिए वीकेंड्स पे ही होते हैं, सैटरडे या संडे में होते हैं. बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जहां पे आपको वीकडेज में मिल जाएगा. एक AAI का था, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, जिसका कि एग्जाम जो है वेडनेसडे को हो गया था. सो उस दिन मुझे ऑफिस से हाफ डे लेना पड़ गया था. और उसके अलावा जो भी सारे एग्जाम्स हुए थे मेरे, जितने भी पीएसयू के एग्जाम्स थे, वो सब वीकडेज पे ही थे. मोस्टली सैटरडे को पढ़ते थे और कुछ कुछ एग्जाम्स है जो कि संडे को पढ़ते थे. हाँ, और सेंटर देखा जाए तो सेंटर काफी दूर डल जाता था. इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दिस इन एवरी केस. ओके, सो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको टाइम से पहुंचना पड़ेगा. तो वहां पे बायोमेट्रिक्स एंड ऑल सब कुछ एक मतलब लॉन्ग प्रोसेस होता है, पूरी चेकिंग होती है प्रॉपर, तभी आपको एंट्री मिलता है. उसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, एंट्री के टाइम पे भी और एग्जिट के टाइम पे भी. आपको दोनों टाइम बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, इसलिए आपको टाइम से मतलब 10-15 मिनट थोड़ा टाइम पहले आपको पहुंचना होता है, जो रिपोर्टिंग टाइम होता है अकॉर्डिंगली आपको पहुंचना होता है, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलती. सो सी, पैंडेमिक से पहले जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते थे, विंडो क्लोज होती थी, उसके विद इन वन मंथ एग्जामिनेशन की डेट और एडमिट कार्ड आ जाया करता था. बट आफ्टर पैंडेमिक मैंने जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं बहुत ही टाइम लगा है. ओके, बट पहले यही होता था, हो सकता है कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो इतना ही टाइम लगे, मैक्सिमम आई थिंक वन मंथ के अंदर आ जाता है एडमिट कार्ड. सो एग्जाम से एक हफ्ता पहले एडमिट कार्ड आपको मेल पे आ जाता है, उसके बाद उसमें आपको सेंटर एंड टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइमिंग एंड ऑल सब कुछ आपको एडमिट कार्ड से पता चल जाता है. इफ आई टॉक अबाउट रिजल्ट्स, देन यस, पीएसयूज डू टेक टाइम इन डिक्लेयरिंग देयर रिजल्ट्स, बट कुछ पीएसयूज ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल सेबी, जो कि आफ्टर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वो विद इन अ वीक अपना रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देते हैं. ओके, सो पैंडेमिक से पहले जितने भी पीएसयूज दिए थे उसमें ज्यादा ज्यादा एक हफ्ते बाद या फिर 15 दिन बाद तो रिजल्ट्स आ जाते थे काफी पीएसयूज के. बट एक दो पीएसयूज थे लाइक AAI जिसने कि बहुत टाइम लिया था रिजल्ट्स डिक्लेयर करने में. सो यस, एवरी पीएसयूज हैव देयर ओन पॉलिसीज. बाकी रिजल्ट्स के लिए आपको उनकी वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि रिजल्ट आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट वुड बी माय सैलरी और हाउ वुड आई गेट टू नो अबाउट सीटीसी स्ट्रक्चर. सो ये इन्फॉर्मेशन आपको एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट नोटिस में ही मिल जाएगा. वहाँ पे सीटीसी का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, बेसिक पे के अलावा कितना आपको अलाउंसेज मिलेंगे वो सब नोटिस में मेंशन होगा. अगर आपको वहाँ पे टोटल सीटीसी नहीं मिलेगा, ग्रॉस इवैल्यूएमेंट का अमाउंट नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आपको ग्रेड कौन सा है या फिर कौन सा पे कमीशन है ये सब आपको मिल जाएगा वहाँ पे नोटिस में. सो नोटिस में यू कैन ऑलवेज फाइंड, हमेशा वो सैलरी मेंशन करते हैं. ठीक है, कुछ कुछ पीएसयूज है जो कि सीटीसी टोटल अमाउंट नहीं मेंशन करते हैं, बट मोस्टली होता है. और अगला क्वेश्चन हमारा यहीं से निकलता है कि व्हाट टाइप ऑफ जॉब वी कैन हैव इन पीएसयू. आई मीन टू से कि परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल. सो एक परमानेंट जॉब भी हो सकती है वो, और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट भी हो सकती है. ये आपको नोटिस पढ़ के पता चल जाएगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब उस केस में वो नोटिस रिलीज करते हैं जब कोई न्यू प्रोजेक्ट उनको इंप्लीमेंट या न्यू प्रोजेक्ट का कुछ काम स्टार्ट होता है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग करते हैं. और वो कॉन्ट्रैक्चुअल जरूरी नहीं है कि वो जितना पीरियड उसमें मेंशन है वो उतने के लिए हो, एक्सटेंडेबल भी होता है. वो अगर एक्सटेंडेबल होगा तो वो नोटिस में लिखा होगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, ऐसा करके कुछ लिखा होगा, वो आपको नोटिस से पता चल जाएगा कि एक्सटेंडेबल है या नहीं है. और उसी के साथ बात करूँ जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो पूरा जॉब प्रोफाइल हर नोटिस में नहीं मेंशन होता, लेकिन काफ़ी वैकेंसीज है जिसमें कि मेंशन करते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है. उस केस में ये मेंशन करते हैं जहाँ पे उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है जनरली. सो हर पीएसयू एक ब्रीफ
जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं देती है अपने नोटिस में, बट कुछ PSUs है जो कि काफ़ी डिटेल्ड जॉब प्रोफाइल मेंशन करते हैं नोटिस में. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन PSU. उसके साथ ही आपने प्रोबेशन पीरियड के बारे में सुना होगा, और PSUs में प्रोबेशन पीरियड 1 year, 2 year डिपेंड करता है PSU टू PSU की कितना है उसमें, वो आपको प्रोबेशन पीरियड कितना है नोटिस से पता चल जाएगा. सो आफ्टर फुलफिलिंग द प्रोबेशन पीरियड उसके बाद ही आपकी जॉब परमानेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ PSU एग्जाम्स. सो PSU एग्जाम्स के दो पैटर्न्स हो सकते हैं, या तो एक MCQ होगा, आई मीन ऑब्जेक्टिव टाइप, या फिर सब्जेक्टिव होगा. सो मोस्टली केसेस में MCQs होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है. बहुत ही रेयर केस में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है, आपको सब्जेक्टिवली आंसर लिखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने जब एग्जिम बैंक का फॉर्म फिल किया था तो उसमें जो एग्जाम था वो सब्जेक्टिव था. ओके, उसमें क्वेश्चंस पेपर नॉर्मली जैसे मिलता है हमें एग्जाम्स में, क्वेश्चन पेपर मिला था और उसका आंसर हमें पेपर पर लिखना था, और उसके लिए पूरा सब्जेक्ट स्पेसिफाइड था, पूरा टॉपिक्स स्पेसिफाइड था कि किस किस टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे PSUs MCQ बेस्ड एग्जाम ही ले. ओके, बट मोस्टली जो है वो MCQ बेस्ड ही होते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा फोकस MCQ बेस्ड पे ही करना है. बाकी अगर सब्जेक्टिव है तो वो आपको एप्लीकेशन जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वहाँ से आपको पता चल जाएगा. सो वी वर टॉकिंग अबाउट एग्जाम पैटर्न. एग्जाम पैटर्न एग्जाम का क्या होगा वो आपको नोटिस में मिल जाएगा. वहाँ पे एग्जाम पैटर्न की जो जो सेक्शन है वो सब आपको मिल जाएंगे, कितना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना लॉजिकल रीजनिंग से पूछा जाएगा, कितना इंग्लिश रीजनिंग से पूछा जाएगा, कितना आपकी सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज से पूछा जाएगा, अलॉन्ग विद टाइम कि कितने कितने टाइम में ये करना होगा, अलॉन्ग विद नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो सब आपको नोटिस में मिल जाएगा. सो ज़्यादातर 1 से 2 घंटे का पेपर होता है. ओके, MTNL का पेपर ऐसा था जो कि 4 घंटे का था, 2 घंटा पहला फर्स्ट हाफ में हुआ था एंड 2 घंटे का पेपर सेकंड हाफ में हुआ था. तो MTNL का एग्जाम था जो कि मैंने अब तक जो दिए हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट एग्जाम था, मतलब पूरा दिन निकल गया था उसमें. सो एग्जाम पैटर्न में हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा और दूसरा आपके प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड होगा. अगर आप फाइनेंस है तो आपसे फाइनेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप IT से हैं तो IT से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो वी हैव ऑलवेज 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. ओके, पार्ट ए जो होता है एप्टीट्यूड वाले वो सारे सबके लिए, हर फील्ड वालों के लिए कॉमन होते हैं, एंड पार्ट बी जो होता है वो प्रोफेशनल लेवल का होता है, मतलब जो जो जिस फील्ड से रिलेटेड है उस उसके फील्ड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कितने टाइम लिमिट होगी, ये सारे आंसर्स आपको PSU नोटिस में मिल जाएगा जो उनका रिक्रूटमेंट नोटिस होगा, बिकॉज ये हर PSU टू PSU वेरी करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज द सिलेबस फॉर PSU एग्जाम एंड वेयर डू आई गेट दिस फ्रॉम. ओके, सो ये सिलेबस आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट नोटिस से ही. एज अ सेड अर्लियर, और जैसे कि मैं हर क्वेश्चन के आंसर में कह रही हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको रिक्रूटमेंट नोटिस में ही मिलेगा. ओके, दिस वीडियो इज ओनली इन द जनरलाइज फॉर्म. इन जनरल सेंस सिलेबस जो है वो मेंशन करते हैं, मोस्टली PSUs मेंशन करते हैं अपने रिक्रूटमेंट नोटिस में. अगर मेंशन नहीं करते हैं इनके रिक्रूटमेंट नोटिस में तो वो अपनी वेबसाइट पे बाद में रिलीज करते हैं सिलेबस, ठीक है, बट ऐसा हर PSU नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेबी अपना जो सिलेबस है वो रिलीज करती है एक अलग नोटिफिकेशन के फॉर्म में, और कुछ PSUs के एप्लीकेशन नोटिसेस देखेंगे, अगर मैंने भी जो लास्ट वैकेंसी शेयर करी थी उसमें आपको नीचे सिलेबस भी दिया हुआ था. सो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेबस नीचे ही उसी नोटिस में मेंशन होता है. सो उस सिलेबस में जो मेंशन होता है वहाँ पे आप, मैंने जैसे बताया कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक एप्टीट्यूड एंड एक दूसरा प्रोफेशनल बेस्ड. सो प्रोफेशनल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं कि किस किस टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, वो सब मेंशन होता है उस नोटिस में सब्जेक्ट में, बिकॉज डिटेल डिस्क्रिप्शन वो एप्टीट्यूड टेस्ट में जो क्वेश्चन होंगे उसका नहीं देंगे, वो जो प्रोफेशनल रिलेटेड होंगे उसका वो डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं अपने सिलेबस में. और सही बताओ जो सिलेबस मेंशन होता है, जो हमने स्टडी किया होता है, हमारे जो प्रोफेशनल कोर्स CA, CS या CMA जो हमने स्टडीज किया होता है, वो सारे वही टॉपिक्स होते हैं. सो अगर सिलेबस नहीं भी मेंशन है तो आपको वही प्रिपेयर करना है जो आपने पढ़ा है, बट स्टिल यू हैव टू टेक अ लुक ऑन द सिलेबस सो दैट यू डोंट मिस एनी टॉपिक. एंड आई वुड सजेस्ट कि प्रिपरेशन के लिए अपना बेस जो है सिलेबस को ही बनाएं. और अगर सिलेबस नहीं मिलता है आपको नोटिस में तो फिर आई वुड से कि आप जितना आपका प्रोफेशनल नॉलेज का जो भी समरी नोट्स है आप उन्हीं को प्रिपेयर करके जाएं. एंड दिस इज द आंसर फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. सो एग्जामिनेशन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने प्रोफेशनल नॉलेज जो आप अगर CA हैं तो CA से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ाई करी थी वो सब आपको रिवाइज करके जाना है. ओके, सिलेबस नहीं मेंशन है, मेंशन है तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, अगर नहीं है मेंशन तो आपने CA समरी नोट्स जितने भी बनाए अपने CA जर्नी में आपको सब रिवाइज करके जाना है, बिकॉज क्वेश्चन हर जगह से आते हैं. क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि जैसे इसका ITSM सब्जेक्ट से नहीं आते हैं, बट आते हैं, इसका से भी क्वेश्चन आते हैं, ITSM से भी आते हैं, DBMS से भी आते हैं जो हमने एडवांस ITT में पढ़े होते हैं, और कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज भी चेक होता है, एक्सेल पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके साथ ही जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स होते हैं, लेटेस्ट लॉज होते हैं, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्जाम में. सो आपको सारी चीजें प्रिपेयर करनी, प्रोफेशनल कोर्स का जो भी सिलेबस है, जो भी आपने सामने नोट्स प्रिपेयर करे हैं, आपको उन्हीं से पढ़ के जाना है, और लिमिट्स वगैरह पे तो खास ध्यान रखना है क्योंकि लिमिट्स से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं. और ये जानने के लिए कि कोई टॉपिक आपका छूटा तो नहीं है, उसके लिए आप सिलेबस को रेफर करें अगर सिलेबस दिया गया है तो. और समटाइम्स एप्टीट्यूड टेस्ट के जो होते हैं उसमें भी वो टॉपिक्स डिफाइन कर देते हैं कि किस किस टॉपिक्स पे वो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, सो वो भी आप रेफर कर सकते हैं. सो सिलेबस के ऊपर एक मैं अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी जिसमें वी विल डिस्कस सिलेबस फॉर PSU एग्जाम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया फॉर दिस एग्जामिनेशन. सो पासिंग क्राइटेरिया हर PSU अपना स्पेसिफाई करते हैं उस अपने नोटिस में. जनरली ये देखा गया है कि 2 तरह के क्राइटेरियाज होते हैं पासिंग के, फर्स्ट इज सेक्शनल कट ऑफ और दूसरा है एग्रीगेट. सेक्शनल में जैसे कि सेक्शन वाइज होते हैं एग्जामिनेशन हमारे, एक एप्टीट्यूड में हो गया, LR, इंग्लिश रीजनिंग एंड ऑल, ओके, एंड एक प्रोफेशनल हो गया. सो उसमें सेक्शनल कट ऑफ
में आपको हर जो भी सेक्शंस है, पार्ट ए में अगर चार सेक्शन है तो उन चारों में आपको पास होना पड़ेगा, और पार्ट बी में भी आपको पास होना पड़ेगा, और उसके बाद एग्रीगेट में जो कट ऑफ निकलेगा आपको उसको भी पास करना पड़ेगा कट ऑफ लिस्ट में आने के लिए। दूसरा होता है एग्रीगेट पासिंग क्राइटेरिया, जिसमें कि टोटलिटी में देखा जाता है कि आपको पास करना होता है। आपको जरूरी नहीं है कि हर सेक्शनली आपको पास करना पड़े। पार्ट ए में अगर चार सेक्शन है तो आपको चारों में पास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चन छोड़ भी देंगे और टोटलिटी में आपके मार्क्स अच्छे बन जाते हैं तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी। सो ये डिपेंड करता है पीएससी टू पीएससी। और ये चीज़ आपको कहाँ से पता चलेगी? आपको नोटिस से पता चलेगा कि सेक्शनल कट ऑफ है या फिर एग्रीगेट कट ऑफ है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो जैसे कि मैंने सेबी का जब एग्जाम दिया था तो उसमें सेक्शनल कट ऑफ था, बट एआई का एग्जाम था जिसमें कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं था, उसमें एग्रीगेट था। उसमें भले ही मैंने जीके के जीरो क्वेश्चन अटेंड किए, उसमें टोटलिटी में अच्छे मार्क्स बन गए तो कट ऑफ लिस्ट में आ गया नाम। ऐसी जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं वो हमें डिस्क्लोज नहीं किया जाता है जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं। अगर हमारा नाम उस लिस्ट में आ गया तो इट मीन्स हमने कट ऑफ को क्रॉस कर दिया, अगर नहीं आए तो इट मीन्स कि हमारे मार्क्स जो है वो बिलो कट ऑफ ही होंगे, तभी नाम नहीं आया। और ये कट ऑफ जो है ये कैटेगरी वाइज निकलता है। ओके, अनरिजर्व के लिए अलग कट ऑफ मार्क्स होते हैं, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग। सो दिस कट ऑफ आर डिपेंडिंग ऑन दिस। सो ये कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा वी डोंट नो, वी कांट गेस, वी जस्ट डू वन थिंग, वी कैन डू आवर बेस्ट। Next question you would have in your mind that whether any study material or books available in the market for preparation? Yes, there are books available in the market. Okay, but आप देखेंगे NTPC, ONGC books मिलती है। आप online भी search करेंगे तो आपको books दिख जाएगी। आप market में जाके भी search करेंगे तो आपको books मिल जाएगी। For finance profile भी मिलती है। So if you want, आप as a reference book एक कोई book purchase कर सकते हैं। ओके, बट उसके आंसर्स पे आप 100% रिलाय मत करिएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आंसर्स जो है वो पुराने लॉ के बेस पे होता है, और आज तक में तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। तो आंसर के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं ये जानने के लिए आप उस बुक को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। सो आप कोई एक बुक को यूज कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं अपने स्टडी प्लान में, और बुक को आप ऐसे ही परचेज मत करिएगा, उसके रिव्यूज पढ़ लीजिएगा इंटरनेट पर या किसी फ्रेंड्स वगैरह से पूछ लीजिएगा जो प्रिपेयर कर रहा है कि बुक कैसी है। और बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो बुक के आंसर्स होते हैं वो 100% रिलायबल नहीं होते हैं, और कई जगह तो बहुत सारे मिस्टेक्स भी होते हैं। बट क्वेश्चंस आप, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है बेसिकली कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये जानना है हमें। तो इसके लिए आप डेफिनेटली यूज करिए बेझिझक। बट आई थिंक एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें टिप्स एंड ट्रिक्स लर्न करने की जरूरत है। सो वो टिप्स एंड ट्रिक्स आई थिंक यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से हम लर्न कर सकते हैं। और जो बुक परचेज नहीं करना चाहते वो बिना बुक के भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके प्रोफेशनल कोर्स का आप सिलेबस गो थ्रू करिए, और हाँ एप्टीट्यूड के लिए आपको बुक रेफर करने की जरूरत पड़ेगी, बिना उसके आई थिंक हम नहीं कर पाएंगे। सो एप्टीट्यूड के लिए हमें कोई अच्छी सी बुक चाहिए होगी, उसके लिए आप मैक्रो हिल या फिर और भी कई सारी बुक्स आती है वो आप परचेज कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज द कॉमन रीजंस फॉर फेलियर और व्हाई आई एम नॉट एबल टू क्लियर। कॉमन रीजन ऑफ कोर्स इज द लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड लैक ऑफ रिवीजन, एंड समटाइम्स इट कुड बी ओवर कॉन्फिडेंस दैट वी डोंट प्रिपेयर, वी डोंट रिवाइज एंड ऑल। सो ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स अ प्लानिंग, इट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स रिवीजंस, एंड ऑल्सो समटाइम्स आई फील लाइक देयर इज अ फैक्टर ऑफ लक हियर एज वेल आई थिंक। सो दीज आर ऑल दोज क्वेश्चंस व्हिच आई थॉट टू डिस्कस इन दिस वीडियो, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय।